किसी चीज की चाहत में मेहनत करके भी अगर वो चीज हमें ना मिले तो हम तो अपनी किस्मत को ही गाली देने लगते हैं कि साला कितना खराब किस्मत है मेरा। आई एम श्योर आपने भी कभी ना कभी अपनी किस्मत को जरूर कोसा होगा। अरे अपनी किस्मत को बेकार बोलने वालों, कभी किसी गरीब के पास बैठकर उससे पूछना कि जिंदगी क्या है। मेरा यह बात हमेशा याद रखो, ज्यादा की ख्वाहिश हमेशा हासिल चीजों का लुत्फ तक उठाने नहीं देती। मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, ये तो आपको भी पता है। जो जिंदगी आप जी रहे हो ना जाने कितने लोगों की ख्वाहिश होगी ऐसी जिंदगी जीने की। बजाय अपने किस्मत को कोसने की, जितना आपको मिला है पहले उसका मजा ले लो। मैं आपको एक किसान का स्टोरी बताना चाहता हूँ जिसने बहुत मेहनत से खेत में हल जोतकर बीजा लगाया, दिन रात मेहनत करके अपनी फसल को तैयार किया, और जब उसका फसल कटने ही वाला था लेकिन खूब बारिश होने के कारण उसका फसल बर्बाद हो गया। आप सोच भी नहीं सकते उस किसान पर क्या बीती होगी। बिल्कुल रोने जैसी हालत थी उसकी। किसी तरह लोगों से कर्जा लेकर फसल उगाया था, यह सोचकर कि जब फसल कटेंगे तो पैसे चुका दूंगा, पर सारे फसल बारिश में बर्बाद हो गए। क्या लगता है आपको, आपके हिसाब से इससे बुरी किस्मत और क्या हो सकती है? आप सोचते हो कि मेरा किस्मत सबसे ज्यादा खराब है, लेकिन आप अपनी दुनिया से बाहर निकल कर देखो। जो लोग आपसे छोटे हैं या फिर आपसे गरीब है, उन लोगों को देखो, उनकी प्रॉब्लम्स को ऑब्जर्व करो, फिर आपको पता चलेगा कि उनकी किस्मत तो आपकी किस्मत से भी ज्यादा खराब है। जितनी सुविधाएं आपको मिलती है उससे खुद को खुश रखो। किस्मत कभी बुरी नहीं होती है। अगर कोई चीज आपको मेहनत करने के बाद भी ना मिले तो घबराएं नहीं, हमेशा पॉजिटिव सोचिए कि हो सकता है मेरे किस्मत में इससे भी कुछ बड़ा लिखा हो। एक बहुत अच्छी बात याद आ रही है कि किसी ने कहा है कि किस्मत तो पहले ही लिखी जा चुकी है, अब कोशिश करने से क्या मिलेगा। तब इसके जवाब में भी किसी ने क्या खूब बात कही है कि हाँ सच है कि किस्मत तो पहले ही लिखी जा चुकी है, अब कोशिश करने से क्या मिलेगा। पर क्या पता किस्मत में ही लिखा हो कि कोशिश करने से ही मिलेगा। इसलिए अगर कोई भी चीज आपको कोशिश करने पर भी नहीं मिलती है तो उदास मत होइए, आपको अपने मेहनत का फल जरूर मिलेगा। इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि आपका एक लाइक और एक कमेंट मुझे इसी तरह के मोटिवेशनल वीडियोस बनाने के लिए प्रेरित करता है। धन्यवाद।